हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज के इस वीडियो में हम RPFSI कांस्टेबल एग्जाम का रीजनिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है और स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं तो आप ज़रूर रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था 2018-19 का, जो वैकेंसी आया था RPFSI कांस्टेबल का, उसके हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं रीजनिंग सेक्शन के लिए। सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन। हम इसमें 14 टॉपिक टोटल डिस्कस करेंगे, आप एक एक करके नोट करते जाइए। इन 14 टॉपिक्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉजी, सिलॉग, डायरेक्शन डिस्टेंस, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एम्बेडेड फिगर, डाइस। उसके बाद और 4 टॉपिक्स है, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज से भी आता है रेलवे के एग्जाम में, आप उसको भी चाहते हैं तो देख सकते हैं थोड़ा, फिगर कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग और डिसीजन मेकिंग। ये वो टॉप 14 टॉपिक्स हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं RPF के एग्ज़ाम में और बाकी रेलवे के एग्ज़ाम में भी। उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं कि आप कहाँ से इस सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। E1 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर कमल छाबरा नाम का एक टीचर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। E1 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में ये वाला प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें टोटल 22 क्लासेस हैं। अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे E1 कोचिंग सेंटर कमल सार रीजनिंग तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर जो 22 वीडियो हैं, 22 वीडियो हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाए गए हैं और वहाँ पर एक 12 घंटे का वीडियो भी है रीजनिंग का, रिवीजन के लिए जिन्होंने पहले रीजनिंग पढ़ रखी है, आप रिवीजन के लिए इस बारे जो 12 घंटे का वीडियो है इसको आप देख सकते हैं, जिसमें रेलवे NTPC के लिए हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ किया गया है और भी बाकी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया गया है। और YouTube में आप अपने हिसाब से भी किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये टीचर बेस्ट टीचर हैं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और SSC के एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं। या फिर आप प्रियल मैम को भी फॉलो कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये पहले एग्जामपुर में पढ़ाते थे, अभी के टाइम में इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है। जो प्रीवियस NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उस समय ये NTPC का क्लासेस ले रहे थे एग्जामपुर में और पर्सनली मैंने खुद इनसे पढ़ाई किया था उस समय और रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये मैडम, ठीक है। और अभी हम बात करें प्रैक्टिस कहाँ से करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कमल सर का ही एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर 53 क्लासेस हैं और यहाँ पे आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जहाँ पर उन्होंने हर एक टॉपिक को कवर करते हुए इन्होंने प्रैक्टिस सेट बनवाया है और 30 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं इन्होंने। सबसे पहले आपको रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए किसी बुक को रेफर नहीं करना चाहिए, पहले आप किसी टीचर से सॉल्व करने का अच्छा शॉर्टकट अप्रोच सीख लीजिए, उसके बाद जाके आप किसी बुक में से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब आपका 20-30% सिलेबस कवर हो जाए तब आप किसी टीचर से प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं रिकमेंड करता हूँ कमल सर का ही क्लासेस और प्रैक्टिस सेट, ये E1 कोचिंग सेंटर में आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर अगर आप सर्च करेंगे कमल सर रीजनिंग प्रैक्टिस सेट तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा जिसमें टोटल 53 क्लासेस हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करने का अप्रोच बताया है उन वीडियो में। और जब आप उस 30 प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, 30 क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं, आपको आ जाना है इस बुक पर। यह है किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर रेलवे की हर एक क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन का इसमें दिया गया है, आपको पूरा नहीं करना है। 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं आपको सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है, टॉपिक वाइज। और रेलवे के लिए रीजनिंग सेक्शन की प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। आप चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उसको वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या आपको करना चाहिए रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। सबसे पहला चीज़ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले से आपको शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागना नहीं है, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब आपका 30-40% तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए
और सिलेबस ख़त्म हो जाए आपका, उस समय आपको जो है डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है रीजनिंग का। अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सोचेंगे तब जाके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे रीजनिंग का तो बहुत लेट हो जाएगा। आप क्या करिएगा, जब आपका 20 से 30% आपका कवर हो जाए सिलेबस, उस समय से आप अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। डेली आपको जो है एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, और कमल सर का प्रैक्टिस सेट से शुरू कीजिए। उसको वहाँ पर जो 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको कंप्लीट करने के बाद किसी बुक पर या फिर किसी अदर सोर्सेस पर जा सकते हैं। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जहाँ जिस भी टॉपिक में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, स्कोर नहीं बन रहा है जिस भी टॉपिक में, उसको नोट डाउन करिए और उस टॉपिक के ऊपर अपना फिर कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करिए। और कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के बाद जो है आपको हर एक वीक में जो है, एक संडे लीजिए या फिर किसी एक दिन में वीक में, आपको सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप 7 या 15 या फिर 20 दिन में, एक महीने में एक बार इसको रिवाइज़ करते जाइए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आपका एग्ज़ाम तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में हो सकता है, सेप्टेम्बर अक्टूबर में हो सकता है। उस टाइम तक जो है आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका रीजनिंग में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे रीजनिंग के सेक्शन में। आप इस स्ट्रेटजी को 1 मंथ के लिए फॉलो करके देख सकते हैं, आप अभी के टाइम में जितना स्कोर कर रहे हैं 1 मंथ के बाद जो है आपका स्कोर इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप किसी बुक अभी परचेज नहीं करना चाहते तो यूट्यूब से फ्री क्लासेस से, कमल सर के क्लासेस देखकर और भी अच्छे टीचर के क्लासेस देखकर आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं यूट्यूब से ही। और टेस्ट बुक का जो मॉक ऐप है वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएगा रेलवे का, आप उसको भी डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। कहीं पर कुछ डाउट या डिमांड रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस डाउट या डिमांड के ऊपर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।